हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था कि मैं अपने बालों के लिए हेयर कलर करवाऊँ या फिर हेयर स्पा। तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया था हेयर स्पा के लिए, तो मैं आज वो कराने जाने वाली हूँ। और वैसे भी मेरे बाल काफ़ी मतलब बेजान से हो गए हैं एंड आई रियली नीड अ चेंज इन माई हेयर। सो ये थोड़ा सा एक लिटिल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा सैलून में। तो मैं पहुँच गई सैलून में और सैलून काफ़ी हाइजीनिक था, सारी चीज़ें बहुत ही हाइजीन थी, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ रखा था और मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने वेलकम किया। और सैलून के इंटीरियर की बात करूँ तो वो भी बड़ा अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी मिनिमल सा था और बहुत ही डिसेंट सा था। मैंने ऐसा इंटीरियर पहले कभी नहीं देखा तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी रखे थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लॉरियल की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी और सारी प्रोडक्ट्स मतलब सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन किए रखा था उन्होंने, तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। और उसके बाद हम आए मेरे बाल पे। अब देख सकते हो मेरे बाल कितने ड्राई और कितने फ्रीजी लग रहे हैं। और मैंने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक हेयर स्पा और हेयर कट का उन्होंने मुझे सजेशन दिया। तो हम उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा और उनके जो सजेशन थे वो भी उन्होंने दिए। और इस तरीके से हम एक कंक्लूजन पे आए। एक ऑप्शनली उन्होंने मुझे एक हेयर कट सजेस्ट किया था, वो बहुत ही शॉर्ट लेंथ में था और मैंने सीधा उनको मना ही कर दिया क्योंकि इतने शॉर्ट हेयर मैं करवा ही नहीं सकती, आई डोंट हैव दैट मच करेज। तो मैंने उनको सीधा ना बोल दिया और फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे मीडियम लेंथ पे ही जाना है। तो वो चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझी और फिर हम चले हमारे हेयर वॉश की तरफ। बहुत ही रिलैक्सिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप होता है हेयर वॉश और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे हेयर को वॉश किया, सारा डर्ट जो था वो भी निकाल दिया। और फिर उन्होंने मेरे बाल को ऐसे ही रखा था, यस, ना तो उन्होंने टॉवल ड्राई किया ना फिर हेयर ड्रायर से कुछ किया, कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे ही रखा था थोड़ी देर के लिए ताकि वो अपना जो हेयर स्पा के लिए मास्क बनता है वो बना सके। और मास्क के लिए उन्होंने लॉरियल का एक स्मूदिंग क्रीम और एक सीरम उन्होंने मिक्स किया, मेरे हेयर की क्वांटिटी को देकर उतना उन्होंने मिक्स किया और फिर छोटे छोटे सेक्शंस लेकर उन्होंने मेरे बालों में अप्लाई करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे हेयर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से उन्होंने बड़े ही छोटे छोटे सेक्शंस लेकर उन्होंने बालों में जो मास्क उन्होंने रेडी किया था वो अप्लाई करना स्टार्ट किया और मैं तो बस बैठ के ऐसे ही इन्जॉय कर रही थी सारी चीज़ों। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था सारे स्टेप्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे पता था कि आप सब लोग मुझे पूछने ही वाले हो कि ये सारी चीज़ें आपने कितने में करवाई। तो मैंने उनका जो एक मेनू बुक था उनका ही वीडियो ले लिया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो कि कितना कॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो यस, देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना। और मेरे बाल जो है वो बहुत ही ड्राई है तो थोड़ी ही देर में मेरे बाल जल्दी से मतलब सूख गए। तो उन्होंने फिर से थोड़ा सा वेट किया मेरे बालों को और फिर से छोटे छोटे सेक्शंस लेकर मेरे बालों में मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ हेयर मसाज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हेयर स्पा में और जैसे कि आप मेरे फेस को देख के पता लगा सकते हो कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रही थी एंड आई लिटरली हैव नो वर्ड्स कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस फीलिंग को। उन्होंने बैकग्राउंड में भी इतना अच्छा म्यूज़िक लगा रखा था जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और थोड़े दिनों तक मैं मतलब स्ट्रेस फील कर रही थी, थोड़ी देर में मैं सारा सब कुछ भूल गई और मैं बहुत ही इस चीज़ को इन्जॉय कर रही थी।
आई गेस एक बार आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये हेयर कट और हेयर स्पा जो है वो मैं बहुत ही फर्स्ट टाइम करा रही हूँ। इवन सलोन में भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो हेयर कट वगैरह होती है वो मैं यूजुअली घर पे ही अपने बालों को ट्रिम कर देती हूँ। तो ऐसा हेयर कट और इस तरीके की ट्रीटमेंट मैं बहुत ही फर्स्ट टाइम करा रही हूँ। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे कि मैं कितना इन्जॉय कर रही थी, कितना रिलैक्स फील कर रही थी। अगर आप भी अपने आप को पैम्पर करना चाहते हो और स्ट्रेस फील कर रहे हो तो एक बार इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना, ठीक है। हेड मसाज के साथ उन्होंने मेरे शोल्डर पे, मेरे हाथ पे और थोड़ा सा बैक पे भी मसाज किया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं अल्टीमेटली बहुत ही स्ट्रेस फ्री फील कर रही थी। तो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस वंस इन अ वाइल। तो या अब देख सकते हो कि कितना अच्छा मतलब लगता है जब आप अपने आप को इस तरीके से पैम्पर करवाते हो। और मसाज के बाद हुआ स्टीमिंग, तो उन्होंने आई गेस 5 या 10 मिनट तक रखा था, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, लेकिन हाँ थोड़ी देर तक उन्होंने रखा था, मेरे बालों को स्टीम किया, मेरे स्कैल्प को स्टीम किया। और फिर हम चले फिर से हमारे हेयर वॉश की तरफ। तो यस, फिर से हेयर वॉश किया, तो वो भी मतलब अगेन बहुत ही रिलैक्सिंग था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे। और हेयर वॉश के बाद मेरा स्टार्ट हुआ हेयर कट। और जैसे कि मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मुझे मीडियम लेंथ पे जाना है और एक सिंपल सटल लुक मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे बालों की रिक्वायरमेंट्स, मेरे बालों की डेंसिटी और मेरी सारे रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए उन्होंने एक हेयर कट किया। और हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है जब भी हम हेयर कट करवाने जाते हैं कि हमें बाल तो कटवाने हैं लेकिन लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने उनको भी बोली थी कि बाल कटवाने हैं लेकिन लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने अच्छी तरीके से हेयर कट किए थे और जितने भी मेरे डेड हेयर्स थे उन सबको रिमूव कर दिया था। और फिर मेरे बालों को उन्होंने ड्राई किया अच्छी तरीके से ताकि मुझे पता लगे कि ये मतलब कैसा लुक आने वाला है। और यस, अब नखरे तो हमारे कम होने नहीं वाले, ठीक है। तो उसके बाद हेयर ड्राई करने के बाद उन्होंने मेरे बाल को स्टाइल किया। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टाइल करने के बाद ये जो हेयर कट है ये मुझ पर कैसे लग रही है, ठीक है। बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हेयर कट मुझ पर कैसी लग रही है। एंड मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोग भी बताना कि ये कैसी लगी। और मुझे तो बहुत 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 ही मज़ा आया सारी चीज़ों में, और मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही खुश थी। मुझे ये एक्सपीरियंस वर्थ लगा, मैंने जितने भी इनको पे किए हैं मुझे सारी चीज़ों के लिए बहुत ही वर्थ लगा। और आप इस स्टूडियो को विज़िट करना चाहते हैं, इस सैलून को विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल्सो आपने अगर इस वीडियो को इंजॉय किया है तो प्लीज़ लेट मी नो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना ये जो हेयर कट है वो मुझ पर कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।